ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्दिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन के माह में कुछ उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह है कुबेर जी से जुड़े हुए उपाय जो आपको सावन माह में ही करने हैं। इन्हें करने से आपके ऊपर होगी धन दौलत की बरसात, क्योंकि कुबेर जी हैं धन के देवता। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जानकारी शेयर भी करें, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो में दी गई जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। सनातन धर्म में देवी लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है और कुबेर महाराज को धन का देवता माना गया है। यही नहीं, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुबेर जी को भोलेनाथ का द्वारपाल भी बताया गया है। इसलिए जो हम आपको आज उपाय बताने जा रहे हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जो कुबेर जी से जुड़े हुए हैं और आपको ये सावन माह में ही करने हैं, जिनसे आपके धन लाभ के योग बनेंगे, धन के नए नए रास्ते खुलेंगे। उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण को कुबेर जी की दिशा माना जाता है। इसलिए दोस्तों, घर के इस कोने की हमेशा साफ़ सफाई रखें, साफ़ सुथरा बना के रखें। घर के ईशान कोण को पवित्र बनाने के लिए घर के ईशान कोण में गंगा जल छिड़कें और शुद्ध करें उस स्थान को, और फिर भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए घर की उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाकर रखें। ओम श्री या ओम ह्री श्री मंत्र का 108 बार जप करें, यानी कि एक माला तो कम से कम करें ही। भगवान कुबेर की कृपा से धन के नए नए मार्ग बनेंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। और साथ में सावन माह में घर में कुबेर यंत्र लाकर स्थापित करें और नियमित रूप से कुबेर यंत्र की पूजा भी करें। धर्म ग्रंथों में त्रयोदशी के दिन भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। बताया जाता है कि इस दिन धन के देवता कुबेर जी की पूजा करने से व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलता है और धन संबंधी परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, कुबेर जी की पूजा तो कभी भी करना अच्छा ही है, लेकिन सावन माह में यदि आप करेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फलदायी साबित होगी। इसलिए जिस प्रकार हमने बताया है, कुबेर जी को प्रसन्न करने का मौका ना गंवाएँ। ये सावन माह में आप भोलेनाथ के साथ कुबेर जी को प्रसन्न करने में यदि सक्षम होते तो विश्वास मानिए आपके जीवन में धन संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी और आप अपने परिवार के साथ एक सफलता पूर्वक खुशियों से भरा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।